नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा एस्ट्रो यूट्यूब चैनल। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए। इंडिया के टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए ओनली वन क्लिक में, वन रुपीज में, पूरे 5 मिनट तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहे। लग्नेश लग्नाधिपति, लगन के स्वामी आपके और बुध आपके लिए वाणी बुद्धि और ज्ञान के। आपको अगस्त के माह में किस प्रकार की सफलताएं मिलने वाली हैं, साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको एक विशेष और एक सटीक उपाय भी रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। और जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए जानते हैं, लग्नेश लग्नाधिपति बुध हैं आपके, और आपकी थिंकिंग, आपकी प्रोग्रेस, आपके आइडिया लगातार चेंज हो रहे हैं, लगातार परिश्रम आप कर रहे हैं और बेनिफिट ना मिलने से आइडिया में परिवर्तन आ रहा है। और आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आजीविका के लिए लगातार पूर्ण रूप से परिश्रमशील हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एंड वक्त पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगातार आपकी लाइफ में चल रही है। इसलिए अभी हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। कुछ कर्जे, कुछ परेशानियाँ, कुछ लेन देन की वजह से भी कुछ टेंशन है, कुछ दुविधाएं रहे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो सुख सुविधाएं आप जुटा रहे हैं, उसमें भी पैसा आपका लगातार खर्च हो रहा है, इस वजह से भी आपको थोड़ा अभी फंड का अभाव रहेगा। लेकिन सगे संबंधियों से, लोगों से, मित्रों से सहयोग आपको मिलता रहेगा, इस कारण से आपको ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। पार्टनरशिप पत्नी के साथ या किसी मित्र के साथ जो पार्टनरशिप है, उसमें बड़ा ध्यान देना होगा। पार्टनरशिप में बड़ी सावधानी से चलना होगा, अपने पार्टनर के साथ में ईमानदारी का वातावरण रखना होगा, लॉयल रहना होगा। चाहे आपकी लव लाइफ, चाहे आपकी रिलेशनशिप या आप शादीशुदा है, तो आपको अपने संबंधों को ठीक रखना होगा। विवाह शादी के कार्यों में अब आपको सफलता मिल जाएगी, एक अच्छा रिश्ता, परफेक्ट रिश्ता आपको जल्दी से मिलने के संयोग बन रहे हैं। अगस्त के माह में आपको अपने भूमि भवन प्रॉपर्टी के कार्यों से राहत मिलेगी, और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें आपको खर्चा करने का, मेंटेन करने का आपको लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति आदि से संबंधित कोई भी लाभ को लाभ मिलने के चांस बन जाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला है तो उसमें आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए आपको विद्यार्थियों को शिक्षा, तो विद्यार्थियों को शिक्षा में इस माह बड़े परिश्रम और बड़ी सावधानी से अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदेह बन सकती है, इसलिए शिक्षा पर आपको पूर्ण फोकस करना होगा। आपके लिए आपका भाग्य काफ़ी सपोर्ट करेगा, आपके लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी रहेगी, मन में थोड़ी घबराहट रहेगी। इसलिए घबराना नहीं है और बड़े टारगेट कर, अपने जो टारगेट हैं उन पर आपको पूरा फोकस करना होगा। साथ में अगर देखा जाए आपके लिए अपने बिजनेस के विस्तार के लिए, जॉब चेंज के लिए, तो अभी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसा चल रहा है उसको आराम से, धीमे धीमे, सरल तरीके से चलाते रहना है। और इनकम के साथ साथ आपकी जो आजीविका के जो खर्चे हैं, जो लगातार आपको खर्चा चाहिए डेली बेसिस पे, वो आपको प्राप्त होता रहेगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ी इनकम, बड़ा पैसा अभी आने में समय लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा पेशेंस अभी रखना होगा। साथ में आपको अपनी यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होगा। किसी देश विदेश से संबंध जाना चाहते हैं, किसी विदेश का कोई आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें आपको सफलता सरलता से मिल जाएगी। लगातार जो लेट हो रहा था उसमें आपको जल्दी से बेनिफिट मिलने के पूर्ण संयोग बनेंगे। साथ ही साथ अगर आपको विशेष तौर पर अपने लिए जो उपाय करना है इस माह, अगस्त के माह में जो आपको उपाय करना है, बुधवार के अपने वजन के अनुसार हरा चारा गाय के लिए गौशाला में डाल के आना है, और अगर पॉसिबल है तो कन्या के लिए ग्रीन कलर के वस्त्र आपको बुधवार के दिन दान करने हैं, और श्री गणेश जी महाराज का मंत्र जाप करना है, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आपको जाप। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। इंस्टा एस्ट्रो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आइए डाउनलोड कीजिए, और इसी ऐप के द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे सभी आचार्यों से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।